पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से खत्म नहीं हुई घोषणाएं। हरीश रावत ने की तीन और घोषणाएं, कहा सरकार बनने पर पूरी करूंगा हर घोषणा। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने साधा हरीश रावत पर निशाना, रावत पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा अब घर बैठेंगे हरीश रावत। डॉक्टर रमेश पोखरियाल से मिले सीएम धामी, कई मुद्दों पर की गई चर्चा, ट्वीट कर दी जानकारी। उधम सिंह नगर में पिता ने की मासूम की हत्या, खेत में फेंका शव, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नई घोषणाओं के निकलने का क्रम जारी है। अब उन्होंने तीन प्रमुख घोषणाएं की हैं, साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने पर इन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगल गीत गाने वाली महिलाओं के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर 1800 रुपये की पेंशन दिए जाने की भी घोषणा की है। क्या आगे करके दिखाना है जिसको अभी तक नहीं कर पाए और जिसको हम अपने घोषणा पत्र में भी सम्मिलित नहीं कर पाए, उनमें से एक काम हमारे कर्मकांडों से संबंधित है। मुंडन एक बड़ा संस्कार है, दोनों तरीके से व्यक्ति को सांस्कारिक बनाने के लिए भी, और जब किसी का देहांत होता है तो उसके अपने लोग मुंडन करते हैं, पुत्र भी करते हैं, भाई बिरादर भी करते हैं। पहले ये मुंडन कर्म करने वाले कुछ लोग होते थे, अब वो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ विलुप्त हो रहे हैं। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे मुंडन कर्म करने वाले होंगे तो उनके लिए भी मैं चाहूंगा एक सम्मान प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से उनके आवास पर मुलाकात की है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश से संबंधित कई असामयिक विषयों पर चर्चा की, इसकी जानकारी पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और गदरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। अरविंद पांडे ने कहा कि हरीश रावत ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है, हरीश रावत इसलिए अब घर बैठने की बात कर रहे हैं। अरविंद पांडे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, इसी बीच पत्रकारों ने उनसे हरीश रावत के बारे में पूछा तो अरविंद पांडे ने कहा कि हरीश रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अब वो खुद समझने लगे हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। आपको बता दें कि हाल ही में हरीश रावत ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा था कि या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं तो वो घर बैठेंगे। कृष्ण प्रणामी कल्याण आश्रम के संचालक सागर सिंधु महाराज ने रुड़की सिविल लाइन्स कोतवाली पुलिस आश्रम की भूमि पर खनन कर रहे लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। सागर सिंधु महाराज ने बताया कि आश्रम की भूमि पर कुछ लोग खनन कर रहे थे, उन्होंने खनन कर रहे लोगों को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि खनन कर रहे 5 लोगों में से एक युवक चाकू लहराते हुए उनके पास आया और हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बाल बच गए और जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वो जमीन पर गिरे तो खनन माफियाओं ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई और वहां से भागने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए, लेकिन तब तक आरोपी भाग गए थे। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। खनन विभाग ने कार्रवाई की थी और एक व्यक्ति है सरजीत, जो कि टोडा कल्याणपुर का रहना ना, जो कि उस मिट्टी को उठवा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई करी खनन माफिया ने और शायद लगभग 15 लाख रुपए का सीएम हेल्पलाइन से जब मैंने शिकायत करी थी तो 15 लाख रुपए का खनन और राजस्व विभाग ने उस पर जुर्माना किया था, जो अभी तक कार्रवाई चल रही है। और उसके बाद जो है ये सारा खनन रुक गया था हमारी ज़मीन से, और हमारी ज़मीन पर फिर से मंदिर की ज़मीन पर इलेक्शन के दौरान जब प्रशासन व्यस्त था और मैं भी यहाँ पर नहीं था तो इन्होंने खनन आरंभ किया।
वहीं रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट में न्याय की गुहार लगाते हुए प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की महिला कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन जिलाधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री के नाम भेजा है। आपको बता दें कि दिल्ली के तिलक नगर में एक बुजुर्ग महिला के साथ निंदनीय और शर्मनाक घटना घटी, जिसमें बुजुर्ग महिला के साथ कुछ अज्ञात लोगों की तरफ से दुष्कर्म किया गया, जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसी ओछी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की महिला कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, जिस कारण धाम के तापमान में भारी गिरावट आ गई। बर्फबारी के कारण धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी ठंडा पड़ चुका है, जबकि नंदी भगवान की मूर्ति भी बर्फ से ढक चुकी है। धाम में बाबा बर्फानी ललित महाराज के साथ ही कुछ साधु संत भी मौजूद हैं, जो सुबह और शाम मंदिर के आगे बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना के साथ ही तपस्या कर रहे थे। बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी के कारण 6 से 7 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बाबा की नगरी में चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। माइनस तापमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं, कंधे पर हथियार और हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई इन जवानों के साहस को सलाम कर रहा है। जवानों के घुटनों तक बर्फ है और वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। वायरल वीडियो में जवान उत्तराखंड हिमालय के आसपास शून्य से नीचे के तापमान में गश्त करते दिख रहे हैं। जवान 15,000 फीट ऊंचाई पर पहरा दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे रस्सी का सहारा लेकर जवान आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में नजर आ रही है। तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां आईटीबीपी के जवान आपको बर्फ के बीच, बर्फ की एक मोटी चट्टान के बीच चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। किस तरीके से एक दूसरे को रस्सियों के सहारे बांधकर और हाथों में डंडे लेकर, डंडों का सहारा लेकर आईटीबीपी के जवान गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर हर तरफ ये वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में जवान उत्तराखंड हिमालय के आसपास शून्य से नीचे तापमान में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ तापमान जो है वो शून्य से नीचे है, जहाँ हमारे देश के आईटीबीपी के जवान आपको इस वक्त नजर आ रही है। वहीं उधम सिंह नगर के रेली के बहेड़ी क्षेत्र की सीमा से सटे सिरौली कला गांव में एक ट्रक ड्राइवर ने अपने 3.5 साल के बेटे को पहले अगवा किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसका शव बहेड़ी में एक खेत में फेंकाया। इसके बाद थाने पहुंचकर गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर घटना का खुलासा कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बेटे की हीमोफीलिया बीमारी का महंगा इलाज न करा पाने के कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया। दर्शकों, चमोली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 1 किलो 513 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बता दें कि चमोली को नशा मुक्त बनाए जाने के तहत लगातार जागरूकता अभियान और नशे के अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इसी के तहत पुलिस को लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज़ फैलाना इतना आम क्यों हो गया है?
तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदल, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने ने लूटा गैरों में का दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job,